ज्येष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे जी के स्वीय सहायक सुरेश पठारे जी ने कल अपना इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बारे में खुद बात करने के लिए सुरेश पठारे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, आप इतने सालों से अन्ना जी के साथ हो, अन्ना जी के साथ आपने इतने आंदोलन में हिस्सा लिया है, आप अन्ना जी के साथ तिहाड़ जेल में भी जाके आए हो, तो इतने सालों का ये आंदोलन है, अन्ना का साथ है, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आखिर इतने सालों बाद आपने अपना इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से? मैं मेरी परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। मेरे परिवार की जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस आंदोलन में काम करते वक्त मैं परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन यह आंदोलन भी एक बहुत बड़ी चरण सीमा पे है और वहाँ मैं कम ध्यान दे पाऊँ मतलब ये आंदोलन के लिए भी हानिकारक होगा, तो इसीलिए मैंने उस जिम्मेदारी से छुट्टी ली है और मुझे लगता है कि मैं पूर्ण रूप से उस आंदोलन में मतलब काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से आगे अन्ना जो भी निर्देश देंगे आम आदमी के लिए वो उसके जैसे मैं काम करता रहूँगा। दूसरी एक बात है, आपने जब इस्तीफा दिया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव डाला गया था, खुद अन्ना ने आपको इस्तीफा देने के लिए बोला, यहाँ तक कि माइनिंग है, उसके बाद सैंड है, तो इस सभी स्कैम्स में आपका नाम कहीं ना कहीं जुड़ गया था, तो इसी वजह से आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, ऐसी कुछ निकल के आ रहा है सामने, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब ये जो हुआ था माइनिंग का जो भी आरोप लगा था वो 2-4 साल पहले लगा था और उसमें भी तथ्य सामने निकल के आया है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ था। मूलतः वो आरोप पूरे राजनीति के बारे में थे और तो आगे जाके भी उसमें कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मैंने हमारे गृह मंत्री को भी एक लेटर लिखा था कि इसके पूरी तहकीकात हो और यदि वो कोई उसमें दोषी पाया जाता है मैं भी हूँ तो कार्रवाई हो। आम आदमी के लिए जितनी कार्रवाई होती है वो मेरे को दुगनी हो। और दूसरा, बाकी जो भी चीज़ें थी वो सीडी का जो ये था तो उसमें भी लैब की रिपोर्ट आई है और उसने भी ये कहा है कि ये सीडी में बहुत सारा एडिट किया गया है, तो मुझे लगता है इसमें तो मैं इससे मैं बाहर आ गया हूँ और ये अच्छा टाइम था। ये हालांकि ये डिसीजन बहुत ही दुख के साथ लेना पड़ा लेकिन इसके लिए भी ये एक अच्छा टाइम था क्योंकि वो सीडी की रिपोर्ट भी आ गई थी, तो मैं इस आंदोलन से पूर्ण रूप से हट जाऊं और एक कार्यकर्ता की हैसियत से आगे काम करूं। तो मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था इस्तीफा लेने के लिए? नहीं, कुछ दबाव नहीं क्योंकि ये तो मैं इतना तो समझदार हूँ कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, इसके लिए कोई दबाव की कोई ज़रूरत भी नहीं है। खुद अन्ना ने कहा था? नहीं, अन्ना ने कुछ कहा नहीं था और इसके अन्ना ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि आप इस्तीफा दे दो, ये मेरा पूरा निजी है, मैंने उनको बताया है और मैंने लिख के भी दिया। तो क्या आगे चलकर अरविंद केजरीवाल हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ सकते हैं? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से मैं आगे जाके जुड़ूंगा नहीं, लेकिन अन्ना जो कहेंगे एक आम आदमी के लिए कि मतलब जैसे कि वोटिंग किसके करना है क्या करना है तो ये अन्ना के निर्देश से आगे जाके काम करूँगा।